कीबोर्ड प्रोटेक्टर फॉर लैपटॉप। दोस्तों, अगर आपने लैपटॉप बाई किया हुआ है और लैपटॉप के लिए अगर आपने कीबोर्ड प्रोटेक्टर नहीं बाई किया है तो आप ज़रूर से ज़रूर बाई करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने अपने लैपटॉप पर यहाँ पर कीबोर्ड प्रोटेक्टर लगाया हुआ है। और इसके लगाने का मेन रीज़न होता है, अगर आप यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं तो आप देखेंगे ये जो मेरा कीबोर्ड प्रोटेक्टर है यहाँ पर कितना गंदा हो चुका है, इस पर कितने सारे डस्ट आ चुके हैं। लेकिन अगर आप इसको हटा देंगे तो यहाँ पर देखेंगे लैपटॉप का जो कीबोर्ड है एकदम आपको नया दिख रहा होगा, बिल्कुल भी इसमें आपको डस्ट नहीं दिख रहा होगा। तो यही फ़ायदा होता है। और आपको बता दें, अगर आपके लैपटॉप में कीबोर्ड में डस्ट सबसे पहले जाता है और डस्ट जाने की वजह से लैपटॉप बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको अपने लैपटॉप पर कीबोर्ड प्रोटेक्टर लगाना चाहिए, जिससे आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में डस्ट ना जाए। और इसका कीबोर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल क्लीन है, जबकि आप यहाँ पर देखेंगे इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना डस्ट लग चुका है। तो इसको मैं कल धुलने वाला हूँ, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। वॉश करेंगे तो ये नया भी हो जाएगा, डस्ट इसमें से गायब हो जाएगा, वॉशेबल होता है। और आपको बता दें, HP का पवेलियन लैपटॉप है, और अगर आप इसके लिए कीबोर्ड प्रोटेक्टर बाई करना चाहते हैं तो आपको बाई लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पर जाकर बाई कर सकते हैं। कोई भी लैपटॉप अगर बाई कर रहे हैं तो कम से कम 25,000 रुपये का तो आप लैपटॉप लेंगे ही, या उससे ऊपर का भी जाएगा, 60,000, 70,000, 1,00,000 तक लैपटॉप लोग बाई करते हैं। लेकिन कीबोर्ड प्रोटेक्टर जो होता है या फिर कीबोर्ड स्क्रीन जो होता है इसको बाई नहीं करते हैं। इससे दिक्कत यही होती है, उनका लैपटॉप जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि कीबोर्ड में जब डस्ट जाता है ना तो हमारे लैपटॉप के अंदर जो पार्ट होते हैं वो बिल्कुल ठीक से काम नहीं करते हैं, धीरे धीरे असर दिखने लगता है। और हीटिंग प्रॉब्लम सबसे पहले आती है आपके लैपटॉप में, हीटिंग प्रॉब्लम सबसे पहले आएगी। अगर यहाँ पर डस्ट लगेगा तो आपके लैपटॉप जो है बहुत जल्दी हीट हो जाएगा, और हीट होने की वजह से आपका लैपटॉप जो है ऑफ हो जाएगा। इसलिए आपको कीबोर्ड स्क्रीन या फिर लैपटॉप का जो कीबोर्ड प्रोटेक्टर होता है ये वाला, इसको बाय कर लेना चाहिए। सभी लैपटॉप के लिए अलग अलग आते हैं, तो अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से बाय कर सकते हैं।